हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। आई एम हेयर टू सॉल्व योर मैथ्स प्रॉब्लम्स। हमने पहले चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2.1 राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है कि 3 जो है नंबर्स लिखने हैं हमने 10999 के बाद। नेचुरल नंबर कौन से की, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास नेचुरल यानी कि अगले 3 नंबर्स 10999 के बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10999। तो इसमें अगर हम प्लस 1 कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर आ जाएगा। 9 और 1 10, 1 कैरी। 9 और 1 10, 1 कैरी। 9 और 1 10, 1 कैरी। 1 प्लस 0 1 और 1, ये आपका एक नेचुरल नंबर आपको मिल गया। नेक्स्ट वाला क्या है, यहीं पे हम नेक्स्ट वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11,000 में 1 प्लस कर देंगे। ये सेकेंड वाला नेचुरल नंबर निकल आएगा। 1 और 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 का 0 ही आएगा, 0 से 0 ही आएगा, 1 से 1 आएगा, 1 से 1 आएगा। ये आपका सेकेंड नेचुरल नंबर निकल गया। अब हमें थर्ड वाला नेचुरल नंबर निकालना है। हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसमें अब हम 1 प्लस करेंगे। 11001, 1 प्लस करते हैं। 1 और 1 2, 0 ये भी 0, 1 से 1, 1 से 1, ये आपका थर्ड वाला नेचुरल नंबर। तो हमारे पास 3 नेचुरल नंबर निकल आए। हम कैसे लिखेंगे इसको, आपके पास फर्स्ट नंबर तो ये है, इसका नेक्स्ट वाला क्या निकला, 11,000। नेक्स्ट वाला हमारा निकला कॉमा 11001, और इससे नेक्स्ट वाला हमारा निकला 11002। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये हमारे 3 नेचुरल नंबर्स निकल आए। अगर आप सिंपली वे में इसको समझना चाहें तो सुनिए, ऐसे कैसे हम लिखेंगे, ये हमारे पास 5 के आगे 3 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से आगे 6 आ जाएगा, 6 के आगे 7 आ जाएगा, 7 के आगे 8 आ जाएगा, यानी कि 5 में 6 प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में प्लस 1 करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में प्लस 1 करेंगे 8 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 नेचुरल नंबर्स नेक्स्ट निकल आएंगे। इसी तरह से सेम ही यही क्वेश्चन हमने किया है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001। जस्ट बिफोर का मतलब उससे पहले वाले 3, यानी कि बैकवर्ड। जैसे आपने छोटे होते भी की होगी ना रिवर्स काउंटिंग, कि उससे पहले क्या आता है, उसके पहले क्या आता है, यही वही क्वेश्चन है। वैसे ही हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 10001, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस 1 कर देते हैं। 1 से 1 क्या 0, 0 से 0, 0 का 0, 0 1, हमारे पास ये आ गया फर्स्ट आपका जस्ट बिफोर। इसके बाद हमने नेक्स्ट वाला निकालना है नंबर। हमारे पास वैल्यू है 10,000, इसमें फिर से हम माइनस 1 कर देंगे। अब देखिए 0 से 1 लेस नहीं हो सकता, पहले तो इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, नहीं है इसके पास भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये 0 जो है 1 से बोरो करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ हो जाएगा 10, और ये वाला 0 जो वो 10 से लेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 10, फिर ये वाला 0 इस 10 से लेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 10, ये वाला 0 फिर इस 10 से लेगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 में से 19 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। अब 9 में से कुछ भी नहीं, 0 ही है समझ लिए, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा नेक्स्ट निकल आएगा। इससे नेक्स्ट हमने एक और वैल्यू हमारी रहती है अभी, वो भी निकालनी है। तो इसमें से हम माइनस 1 करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 9999, यहाँ हम माइनस 1 करेंगे। 9 से 1 लेस कीजिए 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 ही आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं, 9 आ जाएगा, ये हमारा थर्ड वाला निकल आया। तो हमारे पास 3 नंबर जो है बैकवर्ड कौन से रह गए, स्टार्ट कैसे करेंगे हम लिखना। बस 3 वैल्यूज़ आ गई, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, 10000, और नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास आई 9999,
इससे नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गई 9998। इसे भी ऐसे सिंपली वे में समझना हो तो हमारे पास कैसे है, हमारे पास वैल्यू मान लीजिए 8, इसकी वैल्यू हमने माइनस करनी है तो हम क्या करेंगे, 8 से माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7, 7 से माइनस 1 करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, और 6 से माइनस 1 करेंगे हमारे पास आएगी वैल्यू 5। सेम एज मैंने यहाँ पर किया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे पास आ गया क्वेश्चन पर लिखा हुआ है विच, थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है हमारा, 0। तो हमने आंसर में क्या लिखना है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बस यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर बस इतना सा आंसर है इसका, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 0 ही है। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। होल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं 32 और 53 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं दैट इज कॉल होल नंबर्स। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं 32 से आगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कौन सा हुआ हमारे पास, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। ये आपके जो होल नंबर्स हैं बीच में है 32 और 53 के बीच वाले। ये देखिए क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ना हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अब हम इसको काउंट भी कर लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे There are 20 whole numbers between 32 and 53। क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, हमारे सारे क्वेश्चंस फोर्थ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको समझ में भी आ गए होंगे, अगर आपको नहीं समझ आ गए तो आप रिप्ले करके देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।